तो यार दोस्तों, ये स्रोत का पानी है ना, इसको हम नॉर्मली पी सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध है और सीधे स्रोत से निकला हुआ पानी है ना, तो हम इसको आसानी से पी सकते हैं। तो भाई, डुकुल जाने वाला रास्ता कितना खतरनाक होगा। लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा स्लोगन लिख रखा है, तू बस देख कर मुस्करा दिया कर, मिलना मिक्यू है मिलना मिलवाना ऊपर वाले के हाथ में है। बल हेलो दगाड़ियो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग पलाग, अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल में मैं बिरूर साल देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत हसीन वादियों से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो यार दोस्तों, आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है समकोट गांव से। जैसा कि आपने पिछले दो पार्ट में देखा कि पार्ट वन और पार्ट टू करके, तो MS पवार जी के घर में मैं गया हुआ था। तो पवार जी के घर से ना एक खूबसूरत सा गाँव ठीक सामने पहाड़ी के पीछे दिख रहा था, तो बड़ी जिज्ञासा हुई कि वहाँ जाने की। तो आज हमारा सफ़र उसी गांव में होने वाला है। तो भाई, उस गांव का नाम है डोकुला गांव, ठीक है। तो डोकुला गांव में आज हम जाने वाले हैं और वहाँ का रहन सहन, रख रखाव और वहाँ के इनकम के सोर्स क्या हैं, वो गांव वालों से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहें और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल। तो भाई, अभी मैं हूँ डोकुला जाने वाले पुल पे और यहाँ पे है एक खूबसूरत सी पंचक्की। और यहाँ पे देखो भाई, दो नदियों का संगम है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ से आ रही है और यहाँ पे है चक्की, जो कि पंचक्की कही जाती है, पुराने टाइम में होती थी। अब तो खैर इसका यूज बहुत कम होता है, तो दूर दराज के गाँव में ना भाई अभी भी पंचक्की का यूज किया जाता है। दोस्तों, बरसात में ना जगह जगह पे हमें बरसाती झरने, नाले और नदियाँ काफ़ी देखने को मिलती हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे है एक छोटा सा बरसाती वाटरफॉल, जो कि कितना खूबसूरत लग रहा है देखो। और ये कहीं नीचे जा रहा है ये पानी नदी पे। अभी अभी मेरी पवार जी से बात हुई, तो वो बोल रहे थे कि मैं कहीं आगे टॉप पे वीडियो अपलोड करने के लिए गया हूँ बोल रहे थे। तो पवार जी काफ़ी संघर्ष करते हैं, पवार जी आते हैं उस गांव से आते हैं और कहीं यहाँ टॉप में जाके अपनी वीडियो अपलोड करते हैं। तो उनके ब्लॉग का नाम है MS पवार ब्लॉग्स करके है, तो मेरा वेट वह वहीं कर रहे हैं और प्लस साथ में वीडियो अपलोड भी। और उनका ये कहना था कि जिस एरिया में मैं अभी हूँ ना, तो इस एरिया पे पत्थर काफ़ी आते रहते हैं बोले थे, तो यहाँ से ऊपर ध्यान देते हुए आना बोले थे। तो मैं संभल संभल के चल रहा हूँ और ये रास्ता देखो कितना कंजस्टेड है, काफ़ी संकरा रास्ता है और नीचे है पूरी गहरी खाई। और उधर देखो समकोट है, तल्ला समकोट, ये है मल्ला समकोट और इधर जाना है मैंने डुकुल की ओर। तो यार भाई, मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाऊँ, ये देखो इस पहाड़ी के जड़ से देखो कितना ज़्यादा पानी आ रहा है, तो इसे कहते हैं मूल। जैसे कि गंगोत्री यमुनोत्री में पानी बह निकलता है ना मूल से, ठीक उसी प्रकार यहाँ चट्टान के अंदर से पानी निकल रहा है भाई। और मज़े की बात है, यहाँ ना कोई ग्लेशियर है ना ही कुछ, और यहाँ पर से देखो पहाड़ के चट्टान से भाई पानी निकल रहा है, पानी बिना ग्लेशियर के भाई, ये देखो। तो यार दोस्तों, ये स्रोत का पानी है ना, इसको हम नॉर्मली पी सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध है और सीधे स्रोत से निकला हुआ पानी है ना, तो हम इसको आसानी से पी सकते हैं। इस पानी को ना भाई फिल्टर करने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, जरूरत ही नहीं है। तो यार दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ पवारदा के पास। और पवारदा देखो इतनी दूर वीडियो अपलोड करने के लिए आते हैं, तो उस गांव से उस गांव से यहाँ पे, वो तो नेटवर्क को नहीं होते तो इधर भी BSNL में नहीं होता है, मेरे को ऊपर जाना पड़ता है। आपने देखा है गिनी धार का मंदिर, यहाँ खड़ी चढ़ाई लगभग 3 किलोमीटर की है और घर से 1 किलोमीटर है पूरा, इधर से आते हैं सामने पे। अभी नेटवर्क के घर में नेट चलता नहीं है, लाइट गई नेटवर्क गई, बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। तो भाई इतना संघर्ष करना पड़ता है, कुछ तो सपोर्ट मारो यार। अब यहाँ से चलते हैं, मैं भी फटाफट से फेसबुक अपडेट के लिए आया था उसको अपडेट कर देता हूँ, फिर निकलते हैं इसी इन्हीं रास्तों पे। और इधर से आगे का रास्ता काफ़ी डेंजरस है भाई, इतनी सकरी सी रास्ता है, इतना पतला सा और उस पे से जाना पड़ता है और नीचे पूरी होती है गहरी खाई। तो यहाँ से निकलते हैं।
तो यार दोस्तों हमारे चारों ओर देखो बादल ही बादल मंडरा रहे और चारों तरफ है कोहरा और ठीक सामने हमें एक और प्यारी सी नदी मिल गई है जो कि बरसाती होगा पवारजी है, पलथला गजा। हाँ तो ये नदी भी बरसाती है भाई। तो कहा था ना मैंने बरसात में आपको खूबसूरती देखने को मिलेगी, लेकिन खतरा उसी के इक्वल रहता है। आधा जैसे एक पलड़े में रखो तो खूबसूरती, दूसरे पलड़े में खतरा। खतरा ठीक है। तो चलो खतरा है बिना जहाँ वैसे भी वो भी होता है, जितनी हसीन लड़की होगी ना उतनी खतरनाक होगी। सत्तर तालाक तो भाई डुकुल जाने वाला रास्ता कितना खतरनाक होगा। लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा स्लोगन लिख रखा है, तू बस देख कर मुस्कुरा दिया कर, मिलना मिक्यू है मिलना मिलवाना ऊपर वाले के हाथ में है बल। भाई तो देखो भाई ऊपर वाले के हाथ में है बल, अब बताओ कैसा रास्ता होगा। तो यार भाई जो ये रास्ता दिख रहा है ना, ये डुकोला जाने वाला सबसे खतरनाक रास्ता माना जाता है। और ये देखो कितना सा इतनी सकरी सी रास्ता है, ये देखो इतना छोटा सा, ये देखो इतना छोटा जाके ऐसे रास्ता है। और नीचे देखो भाई किलोमीटरों तक गहरी खाई, नीचे दिख रहा होगा हाथ लंबा कर रहा हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा उतना ज्ञात नहीं है। और ये यही रास्ता जाता है भाई। तो यार भाई जैसे ही हम खतरनाक वाले रास्ते में पहुंचे थे ना, तो यहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने स्टार्ट हो गई है। और यहाँ देखो जो ये रास्ता दिख रहा है ना काफ़ी डेंजरस माना जाता है और काफ़ी लोगों की यहाँ जान की हानि भी हो चुकी है। तो इसी रास्ते से जब लोग बाल आया करते थे, यहाँ जो चौड़ा रास्ता नहीं हुआ करता ना उस टाइम पर, बहुत ही सकरा रास्ता हुआ करता था उस टाइम पर, लोग यहाँ से घास गाय बकरियाँ वगैरह राशन पानी खरीद के मतलब आयात निर्यात किया जाता ना उस टाइम। राशन तो घर में होता था लेकिन जो गुड़ और नमक के लिए लोगों को फिर भी बाहर जाना पड़ता था ना उस टाइम पर, इसी जगह से इन्हीं रास्तों से काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है जो कि बहुत ही डेंजरस है भाई। रास्ता अभी भी डेंजरस है लेकिन जैसे जिसको गहराई में देखने में जिसको दिक्कत आती है ना उसके लिए अभी भी बहुत डेंजरस है भाई। जो यहाँ पे से नीचे को देखे ना चक्कर आके झुपुक हो सकता है, इसलिए यहाँ से सावधानीपूर्वक आए। और हम यहाँ पे रेनकोट फटाफट लगा लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से आगे की ओर। तो यह है अपना रेनकोट, फटाफट से छिरा देता हूँ फरान ले। तो ढोकला गांव में जाने वाला रास्ता ना यहाँ पर से सबसे कंजस्टेड है। और यहाँ पे जो रास्ता है ना भाई इतना सकरा है, बस यहाँ से यहाँ तक का है बस चलने लायक है। और नीचे पूरी गहरी खाई है, एक बार यहाँ से जो गिर गया ना वो भाई मिल भी नहीं सकता कभी। और अब यहाँ से हम जाएंगे ढोकला की ओर है, तो बहुत हादसे हो रखे ना, मुझे भी पता है इस चीज़ का। हाँ और मजे की बात इन्हीं चट्टानों में घास भी काटते हैं भाई यहाँ ढोकला वाली महिलाएं। हाँ तो राहुल नामिक जाने वाले रास्ते में भी है क्या ऐसी रास्ते? हाँ हमारे गांव में भी ऐसा रास्ता है, बट बोगिना से
नाविक जाने तक का तो ऐसा रास्ता बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा बहुत है चट्टानों में, लेकिन इतना ज्यादा खतरनाक रास्ता है नहीं यार। तो मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा खतरनाक टूर है, पूरा एडवेंचर टूर होने वाला आज का। डर भी लग रही है क्योंकि अभी बरसात का सीजन है ना, तब जाके मैं पीछे भी नहीं देख सकता हूँ, पर अगर थोड़ा भी फिसल गया मैं तो खुट्टी रोड़ी को हो जाएगी। और मतलब जो है अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं मरूं अभी, कुंवारा ना मरूं। देखिए मतलब खतरनाक जगह लग रहा है मुझे यार, ये ना चौमास का सीजन है, चौमास में हम लोग यात्रा कर रहे हैं, तो यहाँ से रास्ता भी टूट रखा है। देखो जल्दी आ रहे हो, चल गए पे अब। वो ऐसा था, ये पुरदम का बोल था, हरसिंगिया नाम है उसका, हरसिंह बोल नाम है उसका। अब वो ऐसा करता था, बल्कि गरीबों के लिए तो बहुत बढ़िया काम करता था, जो रईस और या शेठ होगा या और दादा होगा, उनको पकड़ता था, बोलो गरीबों का रॉबिन हुड। हाँ।